रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 चल रहा है, अब वेटिंग लिस्ट भी आना हो गया है शुरू। तो आ गया है वेटिंग लिस्ट आरआरसी चेन्नई का, यानी सेंट्रल रेलवे का। तो क्या सभी आरआरसी का वेटिंग लिस्ट आएगा क्या? तो अभी तक हमने सुबह से कल से जयपुर की बात किया है और कई जगहों पे आपका ग्रुप डी वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग डेट में शुरू हो रहा है, 22 तारीख से जनरली शुरू है। तो वेटिंग लिस्ट वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो वेटिंग लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा नॉर्मल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है और ये लिस्ट भी बाद में आती है जैसे ही ज़रूरत पड़ता है वैसे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर चलिएगा आप, मद्रास का आप जा ही रहे, आरआरसी मद्रास का वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिस्ट का बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो आया था, इसमें दो चीज़ का आपको देखना है। पहला एक रिजल्ट है क्लिक हेयर फॉर नॉर्मल लिस्ट, क्लिक हेयर फॉर वेटिंग लिस्ट, क्लिक हेयर फॉर कॉल लेटर के लिए। तो देखिए पहले लिस्ट में जब बुलाया गया था तो उसमें कैंडिडेटों की संख्या मेन लिस्ट में टोटल बुलाया गया था 2924, देख लीजिएगा 2924 कैंडिडेट को बुलाया गया था। हिंदी में यहाँ आपका पूरा वर्ड में भी लिखा है 2924 कैंडिडेट ओनली मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के लिए था। उसके बाद दोबारा एक लिस्ट जो आपका वेटिंग लिस्ट आया है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको कैंडिडेट 153 दिख जाएंगे। इस वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट में आप देखेंगे तो टोटल 153 कैंडिडेटों को बुलाया गया है इसमें। तो ये देख लीजिएगा 153 कैंडिडेट हैं इसमें लिस्ट में। तो यहाँ पे 153 जिनका डेट भी दिया हुआ है कि किस डेट को रिपोर्टिंग करना है, तो डेट देखेंगे तो इनको 12/6 को रिपोर्ट करना है, यानी मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो जाएगा। पहले मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ बता दिया गया है कि आपको जगह तभी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है दी वेट लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्लीज नोट मेयर कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट ग्रांटेड टू इंपैनलमेंट, दे विल बी कंसिडरेड फॉर इंपैनलमेंट ओनली इफ दी शॉर्टफॉल ऑफ मेरिट कैंडिडेट फॉर इंपैनलमेंट ड्यू टू वेरियस रीजन। पहले कंडीशन में जो आए हैं मेन लिस्ट में, मेन लिस्ट से कैंडिडेट अगर शॉर्ट फॉल होगा यानी कम पड़ेगा तब इस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मेन पैनल बनेगी यानी आपकी मेडिकल वगैरह और आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा जब पहले वाले कैंडिडेट क्लियर होंगे। तो ये पहले से ही प्रोसेस चलते रहता है। तो 153 कैंडिडेट यहाँ पे हैं जी, अगर आपका भी इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ से देख ले सकते हैं अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उम्मीद है कि इसी तरह की सभी आरआरसी में आप देखेंगे कि इसी तरह का एक लिस्ट आएगा, लेकिन हो सकता है कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी किसी आरआरसी में आपका पीईटी का कैंडिडेट ही कम पास हुआ है। किसी आरआरसी में आप देखेंगे तो आप बढ़िया से देखेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे कि कैंडिडेट को लगभग जितनी वैकेंसी है उतनी बुलाया गया है, जितना शॉर्ट फॉल होगा वो सेकंड नोटिस के द्वारा होगा। तो कह रहे हैं कुछ लोगों का एक और छोटी सी क्वायरी आई है कि क्या कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी बढ़ेगा? तो दो कंडीशन है, पहला मान लीजिए वैकेंसी जहाँ 50 है और ओनली 50 कैंडिडेट को अभी बुलाया है तो कोई कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अगर वैकेंसी 50 है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 60 कैंडिडेट को बुलाया है तो 10 के लिए अलग से अभी बचना यहाँ पे रह जाएगा, और कैंडिडेट में यहाँ भी एक आध नंबर पहले जो ज़्यादा नंबर है उनको पहले बुलाया जाएगा। कट ऑफ आपको प्रसारित होगा फाइनल जब लिस्ट होगा उसके बाद ही आपको दिखाया जाएगा। अभी केवल जो ऊपर से हायर, ध्यान दीजिएगा अभी जितने भी हायर मेरिट में हैं ऊपर से जो कैंडिडेट हैं जिनके ज़्यादा नंबर है उनको पहले बुलाया जाएगा, लेकिन कटअप आपको शो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कटअप जब शो होगा, जब प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी, तो खुशखबरी है कि वेटिंग लिस्ट वाले अभी वेट कर सकते हैं। सभी आरआरसी में यहाँ चेन्नई पे आ चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।